मैं आपको मैचिंग हाई के विषय में विस्तार से बताऊंगा। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। मैचिंग हाई का नाम जापान के लोगों ने उन दो दिनों के ऊपर रखा है जिनका सूर्यास्त का समय एक समान हो। इसी प्रकार इस कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल का हाईएस्ट प्राइस एक समान होता है। मैचिंग हाई पेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती है। यह हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह छोटी तेजी की कैंडल होती है। यह हरे रंग की होती है। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है, या कहें कि चार्ट के टॉप पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद बिकवाली करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह पहली कैंडल के मध्य भाग से लेकर ओपन प्राइस के बीच में कहीं भी खुल सकती है, मतलब कि बहुत जोरदार मंदी के साथ खुलती है, या कहें कि गैप डाउन ओपन होती है। इसके बाद यह दूसरी कैंडल बढ़कर वही हाई बनाती है जो पहली कैंडल का हाई होता है। इसके बाद जब यह दूसरी कैंडल क्लोज हो उस समय यह पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे थोड़ा ऊपर नीचे बंद हो सकती है। यह दूसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही इस दूसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के लो के बराबर होना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो कुल मिलाकर दूसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के लो के नीचे ही होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह दूसरी कैंडल छोटी तेजी की कैंडल होना चाहिए। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों कैंडल का हाई एक समान होना चाहिए। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, या कहें कि मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों
एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है, लेकिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी मंदी के साथ या कहें कि गैप डाउन ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट और हावरली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। या फिर मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है, नई कैंडल का भाव जब तक उसके लो के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाता तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की दोनों कैंडल का जो एक समान हाई है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश मारू बोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। नंबर दो, दोनों कैंडल का हाई बिल्कुल एक समान होना चाहिए। नंबर तीन, दूसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अब मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी तेजी के बाद मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है और मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की
पहली कैंडल के लो के नीचे भी चली गई है, तो आपको इसमें बिकवाली करना है या फिर आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहली कैंडल ही मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो रही है, तो आपको इसमें बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दोनों कैंडल का एक समान हाई है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।